तो दोस्तों कुछ कमेंट करो, कुछ बताओ आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में आजकल। अच्छा किस किस को नेचुरल चीज़ें देखना पसंद है बताइए। वो तो होता रहता है। हाँ कोई नगमा कहीं गूंजा, क्या चुरा रहा हूँ टे? ये तो रास्ता भी क्या हुआ? आदर हिसाब कर साहब। सूझ तो निकाल के घर पे ही चल चल बात। तो दोस्तों सुबह के समय पे या शाम के समय उछल कूद या रेस शरीर को एक्टिव रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए जरूर होता है। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वहाँ पर ज़्यादा हरियाली हो वहाँ पर ज़्यादा जितना ज़्यादा समय बिताओगे उतना ही बेटर रहेगा। और पेड़ पौधे अपने आस पास लगाए, घर पर लगाए, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है जो प्रकृति हमें देती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है लेकिन किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते और किसी को बता नहीं पाते। और कुछ चीज़ें हम पता होते हुए भी इग्नोर करते हैं। जैसे समझो अगर दुनिया से पेड़ पौधे खत्म हो गए तो ऑक्सीजन कहाँ रहेगी? जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ रहेंगे? अभी बताते हैं तुम्हें मनुष्य कहाँ रहेंगे। वो देख रहे हो सामने, वो बाउंड्री जो दिख रही है, इधर आ जा। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी ना तो मनुष्य यहाँ पर रहेंगे। देख रहे हो आप ही सब क्या है। आशा है समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। ये आलिशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं, मखमल में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। दोनों सुए बराबर ये मौत का असर है। मतलब क्या